रात भर भारी बारिश के बाद मुंबई का हाल बेहाल हो चुका है। जल भराव की वजह से मुंबई लोकल की दो लाइनों पर असर पड़ा है। सीएसटी कुर्ला मेन लाइन और हार्बर लाइन फिलहाल बंद है। और आपको और जानकारी हम देते हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि वेस्टर्न रेलवे में जो ट्रेनें हैं वो 10 से 12 मिनट की बल्कि 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। सेंट्रल और हार्बर रूट बंद है। चेंबूर, लोअर परेल, कुर्ला, सांताक्रूज, सायन, वारशी, थाने, चूनाभट्टी, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, एकदम स्थिति ठप है। दादर और माटुंगा के बीच भी लोगों की आवाजाही बंद है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बीएमसी ने निर्देश दे दिया है कि स्कूल बंद हो जाए। तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पानी उतरते उतरते वक्त लग जाएगा। घरों में पानी घुस गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। वाकई में बहुत बुरा हाल है, घुटनों तक घरों में पानी है। और ये देखें, 2.5 से 3 फीट पानी है। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये है लोअर परेल इलाके की, जो सबसे नीचे एकदम कोने में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखें आप स्कूटर में कहां तक पानी भर गया है। ये रेलवे लाइन पर पानी भर चुका है, रात भर बारिश हुई है, कमर तक पानी है। ऊपर की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये अपने आप में मुंबई की स्थिति का गवाह है कि किस तरीके से आज मुंबई ठप है। मुंबई आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज कहीं से भी वीकेंड भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। लेकिन ये हाल देखें आप, अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करके लोग ऑफिस को जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो। आपको बता दें, एक और खबर हमारे पास ये आ रही है कि वेस्टर्न रेलवे में 10 से 15 मिनट तक ट्रेनें लेट चल रही हैं। और ये देखिए भाई साहब का स्कूटर बंद हो चुका है, ये गाड़ी पानी में से निकल गई, किस्मत अच्छी है। सेंट्रल और हार्बर रूट पर ट्रेनें एकदम बंद हो चुकी हैं। हमारे पास जो अभी तक जानकारी है उसमें चेंबूर, लोअर परेल, कुर्ला, सांताक्रूज, सायन, वारशी और थाने में एकदम बुरा हाल है।